What's up guys, कैसे हो आप लोग? मैं अच्छा हूँ, आप अच्छे होंगे और आप सबका मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल विकी की में। दोस्तों आज करने वाले हैं हम रिएक्शन, जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया है, ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़। चंडीगढ़ वाकई बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है दोस्तों, क्योंकि मैं वहाँ पे 2 साल रह के आ चुका हूँ और मुझे पता है वहाँ का हर दिन आपके लिए ऐसा होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके लिए वो न्यू है सिटी। और बहुत ही प्यारी सिटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, उसका कोई कंपेयर नहीं है उस सिटी का, इसलिए उसको मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी का दर्जा मिला हुआ है। तो दोस्तों इसीलिए हम करने वाले हैं उस पर रिएक्शन। जो मेरे दोस्त, जो मेरे सब्सक्राइबर वहाँ पे नहीं गए हैं, जिनको नहीं पता चंडीगढ़ के बारे में, तो मैंने सोचा कि अपने चैनल के माध्यम से, अपने रिएक्शन के माध्यम से उनको जाके बताऊँ कि चंडीगढ़ सिटी कैसी है और उसकी खासियत क्या है। और जो वीडियो में होगा वो तो बताऊंगा ही, साथ में वो चीज़ भी बताऊंगा जो इस वीडियो में नहीं है, और एक सिंपलेस्ट और मैं चीपेस्ट वे बताऊंगा और रहने की जगह भी बताऊंगा जो चीपेस्ट होगी आप लोगों के लिए। एक बार देख लेते हैं रिएक्शन, उसके बाद करते हैं थोड़ी सी बातें और आपको सजेस्ट भी करता हूँ आप कैसे जा सकते हैं और वहाँ पर स्टे कैसे कर सकते हैं और वहाँ से आप शिमला वगैरह कैसे जा सकते हैं। चलो दोस्तों रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, हियर वी गो। एक्सप्लोर इंडिया वाले ना यार, लगता है ये सीढ़ियों के ऊपर ये रिएक्शन करते हैं ना। एक्सप्लोर इंडिया, इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं ये, है ना। अच्छा है भाई, अच्छा, चंडीगढ़ सिटी, वेलकम टू चंडीगढ़ द ब्यूटीफुल सिटी, ब्यूटीफुल। दिस इज चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, ठीक है, मैं आपको बता के जाता हूँ। ये चंडीगढ़, ये एयरपोर्ट है दोस्तों, अब चंडीगढ़ का एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है। ये शायद ये वीडियो बनी थी उस समय ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट था कि नहीं था, मुझे नहीं पता है। ये देखो व्यू ऑफ चंडीगढ़ कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि वो पूरी प्लान सिटी है ना दोस्तों। ये देखो यार, फ्लाइट से ले रखी है वीडियो, तो प्लान सिटी है, तो आप देखो यार प्लान, वो बस स्टैंड था जो मोहाली में नया बस स्टैंड बनने वाला है ना वो, ये 10 सेक्टर है। 10 सेक्टर से जब हम जाते हैं तो आप बिलीव करोगे दोस्तों, जब बादल झाड़ते हैं ना तो एकदम साफ पहाड़ नज़र आते हैं। दिस इज़ अ 17 मार्केट, 17 का मार्केट है जो ब्रांडेड के लिए फेमस है, और ये है बस स्टैंड। ये कहाँ का, अच्छा ठीक है, ये 22 का रोड है, जब हम 17 बस स्टैंड की तरफ जाते हैं 22 का रोड होता है, काफ़ी बिजी रोड है ये। ये पार्क है कोई, ये लेजर वैली लग रही है मेरे को, लेजर वैली पार्क है, सिटी सेंटर। अब भाई दोस्तों पहले तो ये छोटा सा मॉल होता था, आई थिंक ये बहुत पुरानी वीडियो है, अब तो बहुत बड़े बड़े मॉल हो गए हैं। नहीं नहीं, नई वीडियो ही है, क्योंकि जो रास्ता जो बना है ना वो एयरपोर्ट का वो नया है। दिस इज़ द जे डब्ल्यू मैरियट इज़ द 5-star होटल वहाँ का, 35 सेक्टर में, वहाँ से आपको पूरा चंडीगढ़ का व्यू नज़र आता है। 17 मार्केट है दोस्तों, देखो ऐसे ब्रांडेड, वहाँ पे नॉर्मल शॉप्स नहीं है, ऐसे शॉप्स हैं जो सारी ब्रांडेड शॉप हैं। जे डब्ल्यू मैरिट है दोस्तों, 5-star होटल 35B में, ये 17 मार्केट। ये देखो जे डब्ल्यू मैरिट, जो मैं होटल का नाम बता रहा था, ये पता नहीं क्यों क्यों बार बार दिखा रहे हैं यार। दिस इज़ अ 17 मार्केट, ये अभी चहल पहल नहीं है सुबह का टाइम, ये भी 17 मार्केट है, 17 की मार्केट। दिस इज पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर का ये सीन है, पंजाब यूनिवर्सिटी। पता नहीं कॉलेज वॉलेज ये क्यों दिखा रहे इसमें। ये आईटी पार्क, ये है आईटी पार्क ऑफ चंडीगढ़, ये पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी ही थी शायद, ये तो पंजाब यूनिवर्सिटी है। दिस इज 17 मार्केट, ये कौन सी जगह है, मार्केट का थिएटर, बहुत पुराना थिएटर है दोस्तों, ये भी 17 मार्केट। अरे यहाँ पे एक चीज बताऊँ, रात के टाइम पे ना आप 7 बजे जाओ, आपको दोस्तों वो लेजर शो मिलेगा, और लेजर शो म्यूजिक चलेगा उसमें, और जो लेजर वो होती है ना आपकी, फुहारे होते हैं, फुहारे के बीच में स्क्रीन चलती हुई नजर आएगी। ये 43 बस स्टैंड की तरफ जाते हैं ना वो वाला रास्ता, सच में यार बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है दोस्तों।
ये है सुखना लेक। सुखना लेक मतलब लेक है जो चंडीगढ़ की, ये है सुखना लेक, देख लो। इस लेक में आप मतलब जाओ तो मतलब इतना मज़ा आता है ना, बोटिंग कर सकते हो। और अगर पैदल चलना है ना, कम से कम दोस्तों 2 से 3 किलोमीटर लंबा रास्ता है इसका, आपको पैदल चलिए। ये पूरा रास्ता वो कॉर्नर है ना, कॉर्नर तक जाता है ये रास्ता। जो लेजर शो की बात कर रहा था, ये देखिए ये वो लेजर शो है 17 मार्केट में, रात के टाइम पे होता है। दिस आर रॉक गार्डन। रॉक गार्डन है दोस्तों, जो मतलब पत्थर से जो वेस्टेज होते हैं घर में, उससे ये मिलके यहाँ पे अलग अलग कलाकृतियाँ कर रखी हैं। ये देखिए वेस्टेज है, चूड़ियाँ, शीशे, जो घर से में वेस्टेज होते हैं ना, उनसे बनाया हुआ है ये सब। ये वही सब बनाया हुआ है, चूड़ियों से, पत्थरों से, संगमरमर से, टूटी फूटी ये चूड़ियों से बना रखा है। वो तो सही, बहुत बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लग जाता है घूमने में। ये देखिए बैठने की वही छोटी छोटी वेस्टेज से बनाया हुआ है, और तो कितना प्यारा बना दिया। ये 10 सेक्टर के पास है दोस्तों, ये आईफिल टावर नहीं है, उसका कॉपी बनाया हुआ, ज़्यादा लेंथ नहीं है पर एकदम आईफिल टावर ही बनाया हुआ है कॉपी उसका। ये नॉर्मल वहाँ के जो घर होते हैं ना, तो इस तरह के हैं, और रोड वगैरह ऐसे होते हैं। ये जो पिक्चर है ना, दिस इज रियलिटी। सुबह के टाइम पे आपको ऐसे माहौल मिलेगा, ऐसे 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 पूरा पूरा नजर आएगा। ये कल की शहर है यार, बहुत प्यारा शहर है, मेरी तो यादें ताजा होगी इसको देख के। बहुत क्लीन है, बहुत क्लीन है, जैसे नजर आ रहा दोस्तों, ऐसा नहीं कोई स्पेशल जगह का लिए। ये विंटेज कार लोग वहां पे ना, दोस्तों सच बोलूं, वहाँ पे विंटेज कार क्या है, वहाँ पे तो लोग आपको फरारी और महंगी महंगी गाड़ी, बेंटले, ऐसी ऐसी गाड़ियाँ में मिलेंगे। ये टूरिस्ट बस है, जो टूरिस्ट जो आते हैं ना चंडीगढ़ में, उनको टूर कराती है वो चंडीगढ़ का। ये देखो पीछे का जो पहाड़ नज़र आ रहा है ना, ये बद्दी का पार्क है, और वो अमृतसर साइड, अमृतसर का बोलूँ, ये बद्दी साइड है, और वहाँ पे मतलब शिमला मिला है ना, उसका रास्ता वो दिखा रहा है। दिस इज आईटी पार्क, ये आईटी पार्क है, ये है, ये 5-star होटल है, क्या नाम है इसका, रेडिसन ब्लू। यस, रात को देखो दोस्तों, ये मेरे ख्याल से बद्दी के पहाड़ से ली हुई है पूरे चंडीगढ़ की। चलो दोस्तों, ये थी वीडियो चंडीगढ़ की, और मैंने कोशिश की दोस्तों कि मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बता सकूं, ठीक है। तो फाइनली मैंने आपको कोशिश करी सब कुछ बताने के लिए। चलो, मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको लास्ट में थोड़ा सा सजेशन दूंगा दोस्तों, चंडीगढ़ अगर आपको जाना है तो आप बाय ट्रेन जा सकते हो, अगर बाय बस भी जा सकते हो। अगर बाय बस जाना है तो अगर हम दिल्ली से आ रहे हो तो आप बस सीधा लेंगे, तो वो बस आएगी आपकी 17, दो बस स्टैंड है वहाँ पे, 17 और 43। और अगर आप पंजाब की तरफ से जाओगे तो आपको उतारी जाएगी 43 बस स्टैंड पे। तो कहीं से भी उतरो, उतर के आपको क्या करना है, आपको घूमना है, तो अगर आप बिल्कुल ही बहुत ही कम प्राइस में रहना चाहते हैं तो वहाँ पे वो मिल जाएगी, गुरुद्वारे मिल जाएंगे, गुरुद्वारे हैं 35 पे, तो वहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी। दूसरी चीज़, अगर आपको घूमना है तो आप जो बसेस होती है ना चंडीगढ़ की, लोकल बसें, सिटी बसें, उसमें आप जाओ, आपको किराया कम लगेगा और आप आराम से जा सकते हो। आप वहाँ पे सुखना लेक घूम सकते हो, रॉक गार्डन घूम सकते हो, उसके बाद रोज़ गार्डन घूम सकते हो, उसके बाद एलांटे मॉल घूम सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं जो मेन है, वहाँ पे आप घूम सकते हो। तो वैसे पूरा सिटी का तो टूर आपको किराया ही देंगे ये। तो लास्ट में दोस्तों, अब वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर, शुभ।